जय हिंद दोस्तों, फ्रॉम असम होमगार्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप लोगों के सामने मैं और एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जो है आप लोग के दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, आप लोग थोड़ा समय निकाल के वीडियो को पूरे से पूरा देखना, और वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो जो है शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो बात यह है, देखिए जम्मू कश्मीर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री हुआ था, तो उसी टाइम में एक बड़ी सभा में उन्होंने बोला था, यूनिफॉर्म वाला जो परमानेंट नहीं है, यूनिफॉर्म वाला सुरक्षा बल में जितना भी कर्मी है, होमगार्ड बोल के नहीं है, जितना भी था, मतलब जितना भी विभाग था अनपरमानेंट वाला, तो सबको पकड़ के, होमगार्ड को भी साथ में पकड़ा है उन्होंने बोला है, होमगार्ड भी बोला है, तो सबको पकड़ के जितना भी उन लोग का समस्या है वो समाधान करेगा, वो भी बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था सुकून से उन लोग सो सकते हैं कि नहीं सोते, नहीं सो सकते, तो अब से वो लोग सुकून की ज़िंदगी सो सकते हैं, उनका भी वो चिंता करेगी। मोदी जी ने खुद बोला था, जब उनकी सरकार आई तब वो सब भूल गया। उन्होंने पहले ये बताया था, हम लोगों का सरकार आने दो, कश्मीर में कोई भी ऐसा नहीं होगा, सब सुरक्षा बल में जितना भी कर्मी है सब लोग आराम से शांति से सो सकता है, जम्मू कश्मीर बोल के नहीं है, भारत में जिंदा जितना भी होमगार्ड जवान है सब के लिए ऐसे ही बोला था। लेकिन कुछ भी नहीं किया 10 साल में, क्या किया मोदी जी ने 10 साल में, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा सैलरी इंक्रीज कर दिया, बस हो गया, उसी से घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चाहे तनख्वाह कम कर दो, कम से कम रेगुलर तो होना चाहिए ना, हम लोग रेगुलर कर सकते हैं ना, आप लोग क्यों नहीं किया रेगुलर करके? जो 55 इयर्स का हम लोग का जो नौकरी है वो 7 साल कर सकते हैं आप लोग, PF ESI का लागू कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। जब आप लोगों का सरकार नहीं आया था तब बड़े बड़े भाषण में बोला था ये करूंगा वो करूंगा, जब आप लोगों का सरकार आ गया 10 साल बीत गया, हम लोग जो होमगार्ड है वैसे ही का वैसे ही है ना, कुछ भी हम लोग का मतलब चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा सैलरी बढ़ा दिया है बस हो गया, इतने में घर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। कोई होमगार्ड जवान मर गया तो उसका भी शांति से कुछ भी मतलब पैसा वगैरह कुछ भी नहीं मिलता उनका, फ्यूचर के लिए उसके बीवी बच्चे कैसे पढ़ाएगा कैसे चलेगा कुछ भी नहीं। मोदी जी ने जो बात बोला है, मैं स्क्रीन पर आप लोगों को थोड़ा सा सेकंड आप लोगों को मैं सुना देता हूँ, वो पहले आप लोग सुनिए, वो सुनने के बाद आप लोग मेरे को कमेंट करना लास्ट में कि उन्होंने इतना झूठ क्यों बोला 10 साल में इतना झूठ। चाहे होमगार्ड में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे SPO हो, चाहे BDC वाले हो, इन सबको जो तनावपूर्ण, चाहे होमगार्ड वाले हो, जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है, वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए, क्या उनके भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? 10 साल हो गया अभी तक होमगार्ड का कुछ परमानेंट नहीं क्या? लेकिन उन्होंने बोला था परमानेंट करेंगे बोलकर, लेकिन क्या नहीं? मोदी जी ने ये अच्छा क्या या बुरा क्या आप लोग कमेंट में जरूर बताना। देखो मोदी जी ने तो बहुत सारा विकास किया है, महिलाओं का विकास किया है, मतलब बहुत सारा बहुत कुछ दिया है, घर दिया है, लेटिन बाथरूम दिया है, मतलब बहुत कुछ दिया है महिलाओं को। स्कूल में आप देखो जब स्टूडेंट पढ़ के पास होता है तो उसको स्कूटी दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, पहले तो लैपटॉप दिया था, अब तो गया, अब साइकिल दे दिया, साइकिल गया, उसके बाद बाइक आ गया, बाइक भी दे दिया, स्कूटी भी दे दिया, सब दे दिया, लेकिन होमगार्ड को कुछ भी नहीं दिया। वो जब भरी सभा में बोला था, जो बोला था मतलब जो भाषण दिया था वो भाषण वही का वही रह गया, वही छोड़ के वो चला आया। जब उनका सरकार आ गया तो कहानी खत्म। अरे छोड़ दो यार, कहाँ का होमगार्ड है, ये सब क्या करेगा, चिल्ला के वैसे ही चिल्लाते रहेगा, होमगार्ड जितना भी चला गया वो तो ड्यूटी करेगा ही करेगा, ये सोच के वो लोग छोड़ दिया। लेकिन हम लोगों का भी थोड़ा गलती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग का क्या गलती है मालूम है? हम लोग इंडिया में जितना भी होमगार्ड है सब लोग एकजुट होना चाहिए, मतलब एक साथ मिल के, हम लोग अगर एक साथ मिलने के बाद हम लोगों का डिसीजन जो होगा वो भारत सरकार कुछ नहीं कर सकता। अगर हर होमगार्ड जवान, देखो अभी एक होमगार्ड जवान का दिमाग अलग है, दूसरा का अलग है, मतलब किसी के साथ किसी का बात नहीं मिलता है, इसलिए होमगार्ड का जवान जो है अभी से अभी मतलब जब से शुरू हुआ था होमगार्ड का फोर्स तब से लेकर अभी तक वैसे का वैसे, ये क्यों है? थोड़ा होमगार्ड लोगों का भी थोड़ा गलती है, इसके लिए होमगार्ड का जो नौकरी है वो परमानेंट नहीं हो रहा है। हम लोग का एसोसिएशन है, एसोसिएशन के वजह से बड़े बड़े नेताओं भी एसोसिएशन के तरफ भेज देते हैं, उन लोगों के साथ बात करो, लेकिन सदन में भी हम लोगों का बात नहीं होता है, क्यों मालूम है? जो एसोसिएशन है इसके लिए नहीं होता है, अगर पहले से एसोसिएशन नहीं बना होता तब शायद थोड़ा सा आशा कर सकता था, लेकिन अभी वो भी नहीं है। अभी फिलहाल एसोसिएशन ये सब छोड़ दो, नरेंद्र मोदी जी को मेरे तरफ से और ऑल इंडिया होमगार्ड की तरफ से रिक्वेस्ट है, आपने जो बात बोला था वो तो रख नहीं पाए आप, अभी किसका सरकार आएगा वो भी पता नहीं है, शायद अगर फिर से आपका सरकार आ गया तो जो जवान आपने दिया था वो पक्की करे, अगर आपका सरकार नहीं आया तो भी जो भी सरकार आएगा उसको भी थोड़ा रिक्वेस्ट है कि होमगार्ड का जो समस्या है जल्द से जल्द समाधान कीजिए। अभी देखो हम लोग बहुत बुढ़े हो गए हैं, मतलब अभी उम्र खत्म हो गया है, मेरा अभी 34 ईयर्स हो गया है, देखो अभी तक नौकरी पाने नहीं हुआ, मेरा अभी 15 साल हो गया होमगार्ड में भर्ती हुआ, 15 साल हो गया है, लेकिन अभी तक वैसे क्या बचे, कभी 6 महीना करके 8 महीना भेज जाता हूँ, 2 महीना भेज जाता हूँ, अभी तो मैं 3 साल से बैठा ही हूँ, अभी चुनाव ड्यूटी किया, 3 फेज में हुआ था असम में,
दो फेस चुनाव दिया लेकिन थर्ड फेस में नहीं दिया। अभी शायद ये थर्ड फेस खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट देगा, जो रिफ्रेशर मैंने माया था सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट देने के बाद कमान आएगा, ऑनलाइन में नाम आएगा, क्या क्या मुसीबतें हैं ये सब आने के बाद ही 6 महीने के लिए ड्यूटी मिलेगा। 6 महीने के बाद फिर से आओ, पैसा इकट्ठा करो 8 से 10 हज़ार रुपये, फिर से जाके बड़े बड़े लोगों को डालो, फिर से 6 महीने के लिए ड्यूटी ले लो। बस वही चल रहा है। अगर वो भी बंद करके पूरा समस्या का समाधान करे मोदी जी को या भारत सरकार को, मेरे तरफ से और ऑल इंडिया के होमगार्ड की तरफ से यही निवेदन है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जो साथ में बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो मेरा जो भी आने वाला वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा नोटिफिकेशन ऑन करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।